जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि TOD या फिर हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अग्निपथ स्कीम, आपने इसके बारे में कई जगह न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, न्यूज़ चैनल पर सुन चुका होगा। और कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये एनरोल कर दिया गया है, मतलब इसी मंथ से इसकी वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। और जो आप सभी का एयरफोर्स का या फिर नेवी का जो वैकेंसी अभी कुछ दिनों से रुका हुआ था, इसमें भी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जितने सारे डाउट्स हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है, इसमें कितने साल की सर्विस होगी, क्या ये परमानेंट कमीशन है या कोई और डाउट आपके मन में है, तो सारा डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और ये जो PDF आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से मैंने डाउनलोड किया हूँ। ये कम्प्लीटली ऑफिशियल है, ये टू द पॉइंट यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन है कि आखिर ये अग्निपथ स्कीम है क्या, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, जो कि आपको इससे काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, कैबिनेट क्लियर्स अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इनटू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मतलब कल के डेट में डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत इसको एनरोल कर दिया गया है, मतलब अब इसी मंथ से इसकी वैकेंसी भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और आपका एयरफोर्स नेवी का जो वैकेंसी रुका हुआ था और आर्मी की जो भर्ती रैली थी वो रुकी हुई थी, उसको लेकर भी अब इसी मंथ से न्यू वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। और बीच में मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये अग्निपथ स्कीम इट इज़ ओनली फॉर द सोल्जर एंट्री, नॉट फॉर द ऑफिसर एंट्री। अगर आपको लग रहा है कि ये ऑफिसर एंट्री के लिए भी है तो आप गलत है। इट इज़ ओनली फॉर द सोल्जर एंट्री। सोल्जर एंट्री इन द सेंस, नेवी में जो आप सेलर बनते हैं या फिर एयरफोर्स में आप एयरमैन बनते हैं या फिर आर्मी में आप सिपाही बनते हैं, तो इसके लिए सिर्फ अग्निपथ स्कीम अभी एनरोल्ड किया गया है। फ्यूचर में ऑफिसर्स के लिए भी इसे लाया जा सकता है, बट इसके लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा इसमें खेल होने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अग्निवीर टू बी एनरोल्ड अंडर रेस्पेक्टिव सर्विस एक्ट फॉर 4 ईयर्स। यहाँ पे जिन जिन का यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा अग्निपथ स्कीम के तहत, उनको बोला जाएगा अग्निवीर। अगर वे रिटायर भी हो जाएंगे तो उनके नाम के एंड में अग्निवीर जाएगा, अलग अग्निवीर ऑफ दिस बैच, दैट बैच, सो एंड सो बैच, मतलब इस टाइप से उनको फ्यूचर में बुलाया जाएगा। और उनको 4 ईयर्स की सर्विस इंडियन आर्म फोर्सेस को देनी होगी। बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे यह करना चाह रही है कि जो मैक्सिमम यूथ ऑफ आवर कंट्री हैं उनको एक सेना का एक्सपोजर मिलना चाहिए। बस गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन यही है, ताकि जब वे 4 साल इस सेना का एक्सपोजर ले लेंगे, उसके बाद वे कोई भी प्राइवेट फील्ड में जाएंगे, कोई भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाएंगे या कोई और अपने से कोई बिजनेस करेंगे, तो उसमें कुछ अलग टाइप का सुधार ला सकें, अलग टाइप का रिफॉर्म ला सकें, जिससे उनको काफ़ी हेल्प होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, अट्रैक्टिव मंथली पैकेज विथ राइज एंड रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस एज अप्लीकेबल टू द 3 सर्विसेज। मतलब यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो काफ़ी अच्छी होगी, साथ साथ आपको अलाउंसेस भी यहाँ पे मिलने वाला है। अभी मैं आपको सैलरी और अलाउंसेस को लेकर बाद में अभी इसी वीडियो में बात करूँगा। इसके बाद 1 टाइम सेवानिधि पैकेज टू बी पेड टू अग्निवीर अपॉन कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। मतलब आपको एक सेवानिधि पैकेज, मतलब जब आप 4 साल की टेन्योर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ रुपीस आपको इन बल्क आपको पे किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। इसके बाद 46,000 अग्निवीर टू बी रिक्रूटेड दिस ईयर, मतलब इस ईयर 2022 में 46,000 वैकेंसी आने वाली है अग्निवीर के लिए, तीनों फोर्स इंक्लूडेड। ये नहीं कि सिर्फ आर्मी में आएगा, ये आर्मी में भी आएगा, नेवी में भी आएगा, एयरफोर्स में भी आएगा। तो अब आपका एयरफोर्स XY या फिर नेवी AA SSR या फिर आर्मी के जो भर्ती रैली है, तीनों के लिए आपको अभी रेडी रहना है, अभी से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसकी वैकेंसी जल्द आने वाली है। 46,000 अग्निवीर को इस मंथ में एनरोल किया जाएगा। इसके बाद रिक्रूटमेंट रैलीज विल कमेंस इन 90 डेज, तो आर्मी के लिए 90 दिन के अंदर अंदर इसकी रैली स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस टू हैव अ यंगर फिटर डाइवर्स प्रोफाइल फॉर फेसिंग द फ्यूचर चैलेंजेस। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास यंग सोल्जर्स आ जाएंगे, जिससे कंट्री को काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो बेसिकली अब देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रीड करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यूनियन कैबिनेट टुडे अप्रूव द अट्रैक्टिव रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर
द इंडियन यूथ टू सर्व इन द इंडियन आर्म फोर्सेस. द स्कीम इज कॉल्ड अग्निपथ स्कीम. यूथ सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम विल बी नोन एज अग्निवीर. आप सभी को अग्निवीर बुलाया जाएगा. उसके बाद अग्निपथ अलाउज पैट्रियोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ टू सर्व इन द आर्म फोर्सेज फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. तो जो पहले टूर ऑफ ड्यूटी को जो रिक्रूटमेंट की बात चल रही थी लास्ट ईयर, तो उसमें बताया जा रहा था कि 3 साल की सर्विस देनी होगी, बट अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है 1 साल तक. मतलब टोटल आपको 4 years की सर्विस देनी होगी. 4 years की सर्विस में आपको 6 months की ट्रेनिंग और 3.5 years की सर्विस. मतलब टोटल 3.5 plus 1/2 years ऑफ ट्रेनिंग. मतलब टोटल 4 years की आपको सर्विस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में देनी होगी. और इस 4 year ऑफ सर्विस में आपका ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है. और ट्रेनिंग का सारा खर्चा, सारा जो बर्डन होगा, सारा एक्सपेंडिचर और सारा एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करने वाला है. अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि इसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है. तो सबसे पहले जब आप रिक्रूट हो जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में जब आप सर्विस करेंगे तो आपको 30,000 रुपये मंथली पैकेज आपको मिलेगी. और उस 30,000 में से आपको इनहैंड मतलब हाथ में 21,000 मिलने वाला है. और जो बाकी 9,000 रहेगा वो 9,000 कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड में चला जाएगा. और ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए डोनेट कर देंगे फंड के रूप में. मतलब इनहैंड आपको फर्स्ट ईयर 21,000 रुपया पर मंथ, ये आपको बेसिक सैलरी है. इसके साथ साथ आपको कई सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे. मतलब टोटल हम बात करें देखें तो अभी इसका कोई एस्टिमेट लगाया नहीं जा सकता है, बट इन टोटल आपको लगभग 30,000 से 40,000 के बीच में आपको पर मंथ की सैलरी हो जाएगी. उसके बाद जो जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, 30 से हो जाएगा 33,000. और उसमें आपको इनहैंड सैलरी मिलने वाली है 23,100 रुपीज़. ये आपका बेसिक है. इसके साथ साथ आपको कई सारे अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, उसके बाद राशन अलाउंसेस, उसके बाद कई सारे अलाउंसेस होते हैं. अगर आपका पोस्टिंग सियाचिन में है तो उसके हिसाब से आपको सियाचिन अलाउंसेस, अगर आपका पोस्टिंग हाई अल्टीट्यूड में तो उसे उसी के साथ साथ आपको हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेस भी आपको मिलने वाला है. मतलब कई सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे. ये आपका बेसिक है. मतलब टोटल आपको लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में आपको इनहैंड सैलरी मिल जाएगा सेकेंड ईयर में. और यहाँ पे आप 10,000 के आसपास, मतलब 9,900 रुपीज़ आप एज ए फंड में डोनेट कर देंगे. इसके साथ साथ जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो थर्ड ईयर में आपको 36,500 रुपीज़. उसके बाद फोर्थ ईयर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 40,000 रुपीज़. तो बेसिकली जब आप रिटायर हो जाएंगे 4 साल कंप्लीट करने के बाद, तो टोटल आप अराउंड 5.02 लाख रुपीज़ आप डोनेट कर चुके होंगे अग्निवीर कॉर्पस फंड में. उसके बाद जब आप 4 साल के बाद रिटायर होंगे तो 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद आपको 11.71 लाख, मतलब 11,71,000 रुपया आपको अकाउंट में सीधे पैकेज के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिटायर होने के बाद. मतलब जब आप 4 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेंगे इंडियन डिफेंस फोर्सेज में, तब आपको 11,71,000 रुपया आपको एज ए सेवा निधि पैकेज, मतलब आपने इंडियन डिफेंस फोर्स को सेवा किया है, मतलब आपने सर्व किया है, तो आपको 11,71,000 रुपया अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद. इसके बाद जो यहाँ पे मेंशन है, सेवा निधि विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स एंड देयर शैल बी नो एंटाइटलमेंट टू ग्रेट्यूटी एंड पेंशनरी बेनिफिट्स. अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख रुपीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन द आर्म्ड फोर्सेज. मतलब बेसिकली यहाँ पे मेंशन है कि जो आपका सेवा निधि का पैकेज मिलने वाला है 11.71 लाख का, इसमें आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये कंप्लीट अमाउंट आपके अकाउंट में आएंगे. और साथ साथ जब आपका कुछ वहाँ पे मेडिकल इश्यू हो जाता है ट्रेनिंग के टाइम में या फिर सर्विस के टाइम में, या आप जब वार में जाते हैं, मान के चलो आपने वार में गया और वहाँ पे आपका इंजरी हो गया, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 48 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस भी दिया जाएगा. इसके साथ साथ जो यहाँ पे मेंशन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है. उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है. तो सबसे पहले जो हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो एडवांटेज का बात ये है कि सबसे पहला बात है कि यू विल गेट एन एक्सपोजर टू द इंडियन डिफेंस एनवायरनमेंट. और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो 25% ऑफ अग्निवीर को जो रिक्रूट किया जाएगा, मतलब 100% में से 25% लोग को परमानेंट कमीशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा. अब वो उसका सिलेक्शन किस तरह से होगा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लेकर कोई क्लारिफिकेशन नहीं दी है.
तो मान के चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 लोगों को रिक्रूट किया है अग्नि योजना के, अग्निपथ योजना के तहत, तो 100 लोगों में से जब 4 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेंगे तो 100 लोगों में से 25 लोग को परमानेंट कमीशन के लिए उसी फोर्स में रिक्रूट कर दिया जाएगा और 75 लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। और रिटायर के साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताया कि इतने सारे पैकेजेस आपको मिलेंगे, 11.71 लाख का सेवानिधि पैकेज, साथ साथ ये आपको इतने सारे सैलरीज मिलने वाला है पर ईयर, मतलब पर मंथ आपको इतने मिलेंगे, प्लस साथ साथ ही आपको 5.02 लाख का आप कंट्रीब्यूशन कर देंगे अग्निवीर कॉर्पस फंड में, तो ये सारे आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज के रूप में अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, यूनिक अपॉर्चुनिटी टू यूथ टू सर्व इन द नेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग, ये सारे मतलब वही है कि आप नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, आप इंडियन आर्मी को कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका प्रोफाइल यूथ रहेगा, आप डायनेमिक रहेंगे, आपका फाइनेंशियल पैकेज अच्छा है, मतलब ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन है। बट एक चीज़ और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी फॉर अग्निवीर टू ट्रेन देयर बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड एनहेंस देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन, मतलब आपको अपना स्किल भी इंप्रूव करने का मौका दिया जाएगा उस 4 साल में, ताकि आप कुछ स्किल सीख लें और उस स्किल को सीखने के बाद जब आप 4 साल कंप्लीट कर लेंगे तो 4 साल के बाद जब आपको रिटायर किया जाएगा तो उस स्किल को लेकर आप अपने आप को एम्प्लॉय कर सकते हैं, कुछ अर्निंग कर सकते हैं, मतलब आपको स्किल भी वहां पर सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डिसिप्लिन एंड स्किल्ड यूथ विथ मिलिट्री इथोस इन द सिविल सोसाइटी, मतलब जब आप सिविल एनवायरमेंट में भी जाएंगे तो आप एक तरह से रोल मॉडल बन जाएंगे सिविलियंस के लिए, कि जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे या फिर आपको देखकर कई यूथ इंस्पायर होंगे, तो इस तरह से आप एक तरह से मोटिवेशन फैक्टर बन सकते हैं। ये सारे तो एडवांटेज हैं, लेकिन जो इसको लेकर डिसएडवांटेज बोला जा रहा है जो कि इस पीडीएफ में मेंशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई नोटिफिकेशन निकालती है तो उसमें अपने आप को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहेगी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ चैनल के थ्रू कई सारे डिसएडवांटेजेस भी बताए जा रहे हैं, तो सबसे पहले यही है कि जब यूथ को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा तो 4 साल ही क्यों, 4 साल के बाद मान के चलो उनको रिटायर कर दिया गया तो उसके बाद यूथ क्या करेंगे, मान के चलो कोई कहीं पे उनको नौकरी नहीं मिल रही है या अपने आप को एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इवन आर्मी में सर्व होने के बाद भी। तो यही एक पॉइंट को लेकर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब मैं आपको इसका एज लिमिट बताने वाला हूँ, तो जो इसका एज लिमिट होने वाला है 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक आप इस अग्निवीर योजना में ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब अगर आपका एज 17.5 17.5 साल से लेकर 21 साल तक है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन किस तरह से होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, वो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसी आने वाला है ये 10th के लेवल की वैकेंसी होगी प्लस 12th के लेवल की भी वैकेंसी होने वाली है, मतलब 10 एंड 10 प्लस 2 के लेवल की वैकेंसी होने वाली है, ये दोनों लेवल की वैकेंसी होने वाली है और आपका एज लिमिट 17.5 टू 21 ईयर्स के बीच आपका एज होना चाहिए ताकि आप इस अग्निवीर में ज्वाइन हो सकेंगे। और देखिए मैं एक फ़ायदा इसको लेकर और बताने वाला हूँ, जब आप इस 4 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आप कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जैसे कि CAPF हो गया, इसके बाद सिविल सर्विसेज हो गया, जब आप ये सारे एग्ज़ाम्स को प्रिपरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे एक सर्विसमैन वालों की वैकेंसी काफ़ी अच्छी होती है और वैकेंसी के साथ साथ इनका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के अगर आपको कम मार्क्स भी आता है तो आपको CAPF या फिर सिविल सर्विसेज में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ तक कि स्टेट PCS में भी एक सर्विसमैन वालों को कोटा रहता है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली यही एक बेनिफिट्स है जो कि मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा लगा इस अग्निवीर जो योजना आने वाला है, अग्निपथ योजना आने वाला है, टूर ऑफ ड्यूटी। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी, अब फ्यूचर में कोई और अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। और फिलहाल अभी NDA 1 2022 का SSB का डेट्स आने वाला है, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा, अब आता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।